अब उस छठे अंधे व्यक्ति से कहा जाता है कि वो सामने सातवां अंधा व्यक्ति बैठा है और उसको जाकर बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो वे छठा अंधा सातवें अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि देखो भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन उन पांचों ने जो महसूस किया है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है और घड़ी घड़ी अपना रूप बदलता है। कभी तो वह खंभे जैसा होता है तो कभी वह पंखे जैसा होता है। तो जो सातवां अंधा व्यक्ति होता है वह बहुत बुद्धिमान होता है। वह कहता है कि हो सकता है कोई बहुरूपिया हो, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर ले, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। तब छठा अंधा व्यक्ति कहता है कि भाई, उन पांचों ने तो महसूस किया है ना, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। सातवां अंधा कहता है, पर तुम अपने विवेक से तो काम लो, हो सकता है कि उनको कोई गलत फहमी हुई हो, कहीं किसी पॉइंट पर वे गलत हो। तब छठा अंधा व्यक्ति कहता है कि तुम्हें मानना है तो मानो, मैं तो मानता हूँ कि भाई हाथी ऐसा ही प्राणी है। दोस्तों, आज कहीं हमारी हालत भी इन अंधों की तरह तो नहीं हो गई है? हो सकता है कि हमारे पुरखों और बुजुर्गों को किसी ने अंधा बनाकर ईश्वर को दिखाया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सत्य का एक और पहलू भी हो? देखिए, सच और झूठ में अंतर करना बहुत आसान काम है। एक छोटा बच्चा भी ये बता देगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन मुश्किल काम है सच और सच जैसे में अंतर कर पाना।